जितने भी लोग डालडा खाते हैं, डालडा आप समझते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ये डालडा सबसे खराब वस्तु है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। खराब कोलेस्ट्रॉल मैंने फिर बोला एलडीएल और वीएलडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल आपके खून में सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब आप डालडा खाते हैं और रिफाइंड ऑयल खाते हैं और डबल रिफाइंड ऑयल खाते हैं, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल खाते हैं। तो रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, डालडा, ये चार नाम हमेशा याद रखिए जो सबसे खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए। इनसे जुड़े हुए अगर प्रोडक्ट आपके घर में है, डालडा या डालडा का कोई भी प्रोडक्ट, XYZ ब्रांड नेम से आ सकता है, रिफाइंड ऑयल का कोई भी प्रोडक्ट XYZ नेम से आ सकता है, वो रुचि हो सकता है, वो सोया हो सकता है, वो गगन हो सकता है, वो पता नहीं क्या क्या नाम से हो सकता है, ये सब वो प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। खराब माने एलडीएल और वीएलडीएल, उसके कारण आपको ब्लॉकेज। तो क्या करना चाहिए, इमीडिएट आपको फैसला करना चाहिए कि भाई हमारे घर में डालडा नहीं आएगा, हमारे घर में कोलेस्ट्रॉल खराब बढ़ाने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो डालडा हटा दीजिए, अपने भोजन से डालडा निकाल दीजिए और रिफाइंड ऑयल भी निकाल दीजिए, डबल रिफाइंड भी ऑयल निकाल दीजिए। तो रिफाइंड और डबल रिफाइंड और डालडा निकालते ही आपका कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाए इमीडिएट। और अगर आप चाहें तो 3 महीने ऐसा खाना खा के देख लीजिए जिसमें डालडा की एक बूंद भी ना डाली गई हो और रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल ना इस्तेमाल किया गया हो, 3 महीने में वो डॉक्टर ही कह देगा अरे आपका तो बहुत कम हो गया एलडीएल और वीएलडीएल। तो कारण आपको पता होना चाहिए। कारण सबसे बड़ा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट अटैक लाता है, कार्डियक अरेस्ट लाता है, उसको लाने वाला जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है आपके रसोई में, वो डालडा है, रिफाइंड ऑयल है, डबल रिफाइंड ऑयल। अब आप उल्टा कहेंगे कि डॉक्टर तो सब बोलते हैं रिफाइंड ऑयल खाओ, हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है तो डबल रिफाइंड खाओ और अच्छा है। डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ जबरदस्त कनेक्शन है, रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल बेचने वाली कंपनियों का डॉक्टरों के साथ कनेक्शन है, डॉक्टर उनका जितना भी प्रिस्क्रिप्शन करेंगे कंपनियों का धंधा चलेगा, कंपनियों का धंधा चलेगा तो डॉक्टरों का भी धंधा चलेगा। लोग जितना ज्यादा रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे उतना हार्ट अटैक आएगा, उतना हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टरों की भी चांदी है, कंपनियों की भी चांदी। इसलिए आप विज्ञापन देखकर टेलीविजन पर कभी भी जिंदगी के बारे में फैसला मत करिए। टीवी पर ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं, कोई पत्नी अपने पति के बारे में बात करती हुई कहती है कि इनको तो ये तकलीफ है तो मैं उसी दिन से सोया वनस्पति ऑयल ले आई, तो ये ऑयल ले आई, तो वो ऑयल ले आई, बस यही खतरनाक, क्योंकि एक भी विज्ञापन सच नहीं होता और सच विज्ञापन करने की उनकी कोई जवाबदारी नहीं है क्योंकि सरकार ने उनको झूठ बोलने का लाइसेंस दिया है। एक भी विज्ञापन सच नहीं होता और सच बात विज्ञापन में बताई नहीं जाती। तो आप टीवी विज्ञापन देखकर कभी भी ये डिसाइड मत करिए कि हमारे घर में क्या लाना है क्या नहीं लाना है। वो ऑयल के बारे में है तब तो बहुत कॉशस नहीं। तो आप जैसे ही डालडा हटाएंगे, जैसे ही ट्राई ये रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल हटाएंगे, 3 महीने आप देशी घी में खाना बना के खा लीजिए, देशी घी, आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये महत्व की बात है जो आपने कहा वो भी नकली है, तो असली बना लीजिए घर में। दूध आपके पास आता है, दही बना लीजिए, उसमें से मक्खन निकाल लीजिए, मक्खन को गर्म करके घी बना लीजिए, वो आपके घर में ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घी के लिए देशी घी जितना ज्यादा खाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल उतना कम बनेगा, डालडा जितना खाएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा बनेगा, रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे और ज्यादा। तो पहली बात अपने जीवन में याद रखिए कि हर्ट से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम में तेल तुरंत बदल दीजिए। फिर आप बोलेंगे अच्छा डालडा छोड़ दिया, तो डालडा छोड़ के घी पे आ जाइए। और घी में मैं आपसे कह चुका हूं कि गाय का हो तो बहुत अच्छा है, गाय का घी जिस पर 12 साल मैंने रिसर्च किया है 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, गाय के घी में ऐसी तासीर है। हाँ मैं बताता हूँ एक मिनट, गाय का घी 12 साल तो मैं रिसर्च कर लिया, हजारों साल हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर लिया, गाय का घी 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ने नहीं देता, कितना भी खा ले आप।
ग्राम भी नहीं बढ़ने देता, बढ़ने देता है जो घी वो भैंस का है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भैंस का घी तो छोड़ ही देना अच्छा है, गाय का घी कहीं से अरेंज करना। अब आप बोलेंगे गाय नहीं है तो गाय लाइए, गौशाला है पटियाला में वो गौशाला वालों से निवेदन करिए वो देशी गाय पालेंगे, आपको घी भी देंगे दूध भी मिलेगा। ये सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। बात जो मोटी समझने की है वो गाय के घी की है। दूसरी जानकारी कि आपके घर में तेल एकदम शुद्ध लाइए, ये जो रिफाइंड तेल है ना ये छोड़ दीजिए, शुद्ध तेल लाइए। शुद्ध तेल कैसा, सरसों आपके बाजार में मिलती है, सरसों लेके जाइए, तेल निकालने वाली मशीन को दीजिए कि भाई मेरा तेल निकाल के दो, तो जिस कंडीशन में वो तेल निकाल के देता वही शुद्ध है। ज्यादा से ज्यादा उसको फिल्टर करा लीजिए, एक फिल्टर्ड ऑयल आता है और एक रिफाइंड ऑयल आता है। रिफाइंड ऑयल गलती से भी मत लाइए, फिल्टर्ड लाइए। फिल्टर माने छान के, बस इतना ही है, उसमें कुछ केमिकल मिक्सिंग नहीं है। तो आप फिल्टर ऑयल लाएंगे, सरसों का लाएं तो, नारियल का लाएं तो, मूंगफली का लाएं तो, तिल का लाएं तो, जो तेल आप खाते हैं, वैसे आपके लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का ही है, क्योंकि हम नॉर्थ बेल्ट में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए सरसों बहुत अच्छा है। तो सरसों का तेल तो सबसे ही अच्छा है, लेकिन कोई लोग ऐसे भी हैं जो नारियल का तेल खाते हो या मूंगफली का खाते हो या तिल का खाते हो, उनके लिए भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि शुद्ध तेल लाइए, नारियल का लाएं तो, तिल का लाएं तो, मूंगफली का लाएं तो। आप कहेंगे वो बहुत गाढ़ा होता है, मैं आपको एक जीवन का ऐसा सच बताना चाहता हूं जो डॉक्टर जानता है लेकिन वो बताता है। तेल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा, दूध जितना पतला होगा उतना अच्छा। तेल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा, दूध जितना पतला होगा उतना अच्छा। अब पतला दूध आपको चाहिए तो वो गाय के ही मिलेगा, भैंस का तो नहीं मिलेगा। और गाढ़ा तेल चाहिए तो शुद्ध तेल ही गाढ़ा होता है, रिफाइंड तेल तो बिल्कुल पानी के जैसा है। तेल को जब शुद्ध रूप में हम प्राप्त करते हैं फिर इसको रिफाइन करने के लिए जो केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं वो खतरनाक है हार्ट के, वो सब हमारे एलडीएल और वीएलडीएल को बढ़ाने वाले हैं वो सारे। मेरे कुछ मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग गांव में माने अलग अलग शहरों में काम करते हैं। हम सबका एक ग्रुप है, हमने एक ग्रुप स्टडी किया पिछले 10 साल कि जिसके क्लिनिक में जिसके पास भी हार्ट अटैक का पेशेंट आता है ऑपरेट करने के पहले उसका पूरा हिस्ट्री लेना तब ऑपरेशन करें, और हिस्ट्री में पहले ही सवाल हम पूछते हैं तेल कौन सा खाते हो। तो 10 साल जितने भी मरीजों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की, 90% मरीज वो थे जिनको हार्ट अटैक आया और रिफाइंड तेल खाते और डबल रिफाइंड खाते उनको और जल्दी आता। और जो मरीज हमको आके बोलते हैं कि जी हम तो शुद्ध तेल खाते हैं, प्योर तेल खाते हैं, वो सिर्फ 10% ही है। माने 90% खतरा ज्यादा है हार्ट अटैक होने का जब आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, डबल रिफाइंड खा रहे हैं। तो तेल बदल दीजिए, घी बदल दीजिए, डालडा की जगह देशी घी लाइए, देशी घी गाय का होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भैंस का ला रहे हैं तो मात्रा थोड़ी कम करिए, ज्यादा मत खाइए, जितना खा सकते जितना पचा सकते हैं उतना ही खाइए। ये महत्व की बात है कि घी देशी घी कभी भी गाय का होगा तो 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि 10 साल मैं कर चुका हूं ये काम और मुझसे पहले पुराने वैद्यों ने सैकड़ों साल ये काम करके देखे। हमारे पुराने जमाने का याद करिए, हमारे दादा दादी नाना नानी आधा आधा कटोरी घी खाते थे, किसी को हार्ट अटैक नहीं था। हाँ बस यही बात है महत्व की, मेहनत भी करते थे, खेत में जाते थे, हल चलाते थे, कुदाली चलाते थे, 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, कंधे पर वजन रख के चले जाते थे, तो मेहनत उनकी होती थी। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो घी के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड के साथ है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो घी बिल्कुल पचेगा आपको, चिंता मत करिए। आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वही घी मारेगा फिर आपको, तो घी का कसूर नहीं है, कसूर आपका है, आप मेहनत नहीं करते। छोटे छोटे काम में भी हम मेहनत से अब चुराने लगे हैं अपना जी, ट्रैक्टर आ गया तब से तो और ज्यादा जी चुराना हमने शुरू कर दिया है।
हर काम के लिए स्कूटर या मोटरसाइकिल यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, सब्जी भी लेने जाएंगे तो उसके लिए हमें ये सब लगता है। पैदल चलना हमारा इतना कम हो गया है, पहले बहुत पैदल चला जाता था, साइकिलें होती थी, पैदल चलते थे, तो ये सब फिजिकल वर्क पहले था, अभी बहुत कम है। तो इसमें घी का क्या दोष है? आप घी को गाली क्यों देते हैं? अपने को गाली दीजिए ना, हम मेहनत नहीं करते, हम निकम्मे हो गए, हम कामचोर हो गए, इसलिए ये प्रॉब्लम। इसमें घी का कोई दोष नहीं। घी का दोष तब आएगा जब आप मेहनत भी करें और उसके बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े तब, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। मेहनत करने वालों को घी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए आप घी तो रखिए, देशी घी अपने घर में रसोई में, डालडा निकालिए, रिफाइंड और डबल रिफाइंड हटाइए, तो तुरंत आपका कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक जानकारी मैं कल दे चुका हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही नमक बदल देंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। नमक कल मैंने बताया, समुद्री नमक छोड़कर आप सीधा नमक पे आ जाएंगे, काले नमक पे आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल अपने आप गिरने लगेगा, ट्राइग्लिसराइड गिरने लगेगा। तो ये दूसरी बात याद रखिए। और तीसरी बात ये याद रखिए कि जितनी ज्यादा छिलके वाली दाल और छिलके वाली सब्जियां खाएंगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल आपका घटता चला जाएगा। छिलके वाली दाल और छिलके वाली सब्जियां, जैसे लौकी है, तोरई है, टिंडा है, कद्दू है, करेला है, इन सब सब्जियों में हम छिलका उतारते हैं, ये मत उतारिए, छिलका उतारना बंद कर दीजिए, क्योंकि सब्जियों का सबसे ज्यादा प्रोटीन छिलके में है और फाइबर भी छिलके में है। तो आप छिलके वाली सब्जियां खाइए, जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है ये सब बात उनके लिए हो रही है, सबके सब छिलके वाली सब्जियां खाएं, आलू भी छिलके के साथ खाएं तो अच्छा है, आलू का भी छिलका ना होता है। तो आप कहेंगे फिर स्वाद नहीं लगेगा, लगेगा। आलू को उबालें, उबालें और उबालकर सब्जी में डालें, छिलका ना उतारें तो भी स्वाद लगेगा। तो आलू है, गोभी है, पत्ता गोभी है, या तो पत्ता गोभी और गोभी का जो छिलका समझते हैं, वो जो डंठल होते हैं छोटे छोटे पीस काट के आपके सब्जी में रखिए, उनको बहुत काम की चीज है, जो आप निकाल देते हैं वो बहुत काम की चीज। करेले का छिलका कभी मत उतारिए, लौकी का मत उतारिए, तोरी का मत उतारिए, कद्दू का मत उतारिए, ज्यादातर सब्जियां छिलके वाली खाना शुरू कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल अपने आप घटने लगेगा, खराब होगा। हाँ, मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। छिलके वाली सब्जियां भरपूर खानी है, छिलके वाली दालें खानी है, मूंग की दाल खानी है तो छिलके वाली, उड़द की दाल खानी है तो छिलके वाली, माँ की दाल खानी है तो उस पर छिलका रहे, अरहर की दाल में छिलका, माने बिना पॉलिश की हुई दाल छिलके वाली, और चावल भी आप खाइए वो भी छिलके वाला। चावल एक आता है छिलके वाला, एक बिना छिलके वाला, जो छिलके वाला चावल है वो रेड रेड कलर का होता है, हल्के से लाल रंग का होता है, उस पर पॉलिश नहीं होती, तो बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाइए, बिना पॉलिश की हुई दाल खाइए। हाँ, पकेगा, कैसे पकेगा तरीका मैं बता देता हूँ। हाँ, ब्राउन राइस, ब्राउन राइस जिसको आप कहते हैं वो छिलके सहित होता है, इसलिए ब्राउन नहीं, वो बहुत अच्छे से पकता है। कैसे पकता है? चावल को पकाते समय थोड़ा दो बूंद घी डाल दीजिए, बहुत अच्छे से पकता है, बहुत अच्छे से पकता है। या चावल पकाते समय थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, बहुत अच्छे से पकता है, एक एक दाना उसका खिला अलग रहता है। तो छिलके वाला चावल, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, ये सब खाना है हर उस मरीज को जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट के अटैक आने की संभावना है, या आर्टरीज और वेन्स में कचरा जमा हो गया। तीन बातें हुई। चौथी बात और एक जानकारी दे दूं कि जो रोटी आप खा रहे हैं, रोटी रोटी मोटे अनाज की खाइए, जितना मोटा अनाज उतना ही हार्ट के लिए अच्छा। जैसे मक्की है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, बाजरी है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, ज्वारी है, बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, गेहूं उतना अच्छा नहीं है हार्ट के लिए। अगर गेहूं खाना ही है तो अकेला गेहूं मत खाइए, उसमें मिक्स करिए। क्या मिक्स करें? थोड़ा चना मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सोयाबीन, थोड़ी ज्वारी, ऐसी चीजें मिक्स करिए जो मोटे अनाज में आती है, फिर उसकी रोटी बनाइए। मिस्सी रोटी कहते हैं या क्या रोटी कहते हैं? मिस्सी रोटी, यस, वो खाइए आप। गेहूं की रोटी कभी भी मत खाएं, ना खाएं वो सभी पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है।
मिस्सी रोटी खाए, मोटी रोटी खाए। और जब गेहूं आप पीसने के लिए लेके जाते हैं चक्की पर और गेहूं के साथ बहुत सारी चीजें, तो उसको बोल करके मेरा आटा मोटा पीसो, बारीक मत पीसो। और बिना रोले तो हाँ, मेरा आटा मोटा पीसो, बारीक मत पीसो। और वो आटा घर में लाके कभी भी छलनी से छानना नहीं, क्योंकि उसकी जो चोकर आपने निकाल दी वही आपके हर्ट को बचाने वाली है। जो ऊपर के छिलके हैं, जो चोकर है, वही आपके खून को पतला करती है। तो इसलिए इस तरह से आप अपने लाइफ को थोड़ा एडजस्ट करिए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम, अगर आपने ये सब शुरू कर दिया और थोड़ी दो तीन चीजें और अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। शाम को मैंने कहा खाने के बाद कम से कम 1000 कदम पैदल चलना, आपको वॉकिंग करना शाम को बहुत जरूरी है। दोपहर के खाने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है, थोड़ा वज्रासन में बैठना बहुत जरूरी है। ये सब करते हुए अगर आपने अपने आप को ढाल दिया तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहने दो। और लगातार आप इस हैबिट में आ जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, तो आपका 6-8 महीने में कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कैसे हो गया, आपने फूड हैबिट्स थोड़ी सी चेंज की, वो हो गया। जो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें हैं वो हटाते गए, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें उनको बढ़ाते गए, आप ठीक हो गए। तो बिना मेडिसिन के, बिना ट्रीटमेंट के, बिना ऑपरेशन के आप अपने हार्ट की प्रॉब्लम को ऐसे ठीक करें। अब आप बोलते हैं इसमें और कुछ कर सकते हैं, हाँ और अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। कुछ ऐसी चीजें खाइए जो कल से मैं बात कर रहा हूं, जो एल्केलाइन है। सारी एल्केलाइन चीजें खून को गाढ़ा होने से बचाती हैं और पतला बनाती हैं। तो आप बोलेंगे क्या खाएं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास। सबसे एल्केलाइन चीज है हमारे भोजन में या आसपास की रसोई में और पड़ोस में आंवला, भरपूर आंवला खाइए। अब भरपूर आंवला खाने से मतलब नियमित रूप से आंवला खाइए, ये नहीं कि 1-2 किलो एक बार में खा जाए। भरपूर खाने का माने नियमित खाइए, 6 महीने 8 महीने साल भर 2 आंवले रोज खाइए। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम, ड्राई खा लें, चटनी बना के खा लें, मुरब्बा बना के खा लें। फिर कोई बोलेगा मुझे डायबिटीज भी है और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो जो डायबिटिक है वो मुरब्बे वाले आंवले को पानी में धो के उसे खा लें, आंवले की कैंडी आती है उसे खा लें। आंवला किसी भी रूप में खाना, दो, बहुत खून को व्यवस्थित करता है आंवला, एक चीज। दूसरी और चीज क्या खा सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी भी कैपेसिटी है खर्चा करने की तो आप ये एलोवेरा जूस पी लें, बहुत एल्केलाइन है और खून को एकदम व्यवस्थित कर देता है। एलोवेरा जूस आसानी से उपलब्ध है, पटियाला में मिलता है, गुरप्रीत भाई से आप संपर्क कर लें, उनके पास व्यवस्था है। और भी कहीं मिलता हो, स्वामी रामदेव जी के यहाँ मिलता है, वहां से भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा फ्रेश कितना खाया जा सकता है? हाँ, एलोवेरा फ्रेश अगर खाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, जूस से भी अच्छा होगा। एलोवेरा फ्रेश खाने का तरीका बता देता हूँ, उसका जो पत्ता आता है ना वो काट के ऊपर वाला छील लेना, उसको छिलका उतारना, हाँ उतारना खाने के लिए, फिर अंदर का जो गूदा है फल वो चबा के खा लीजिए। एक दिन में 10 से 15 ग्राम से ज्यादा मत खाइए, बहुत कड़वा है, बहुत तीखा है। उसको ग्राइंड करके पानी में, हाँ ले सकते हैं, ग्राइंड करके पानी में ले सकते हैं, उसकी चटनी ले सकते हैं, चबा के खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। अचार आता है तो अचार खा लीजिए। एलोवेरा का छिलका ही एक है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो डाइजेस्ट आप कर नहीं पाएंगे इसलिए मैंने उतरवा दिया, बाकी सभी छिलके आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो एलोवेरा का गूदा ले लीजिए। ऐसे ही हमारे पास बहुत एल्केलाइन चीज है गाजर। अभी 4 महीने गाजर का सीजन आ गया, खूब गाजर खा लीजिए, माने नियमित रूप से, खूब जहां भी मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा नियमित रूप से 3-4 महीने खा लीजिए, 2 गाजर रोज, 3 गाजर रोज चबा के खा लीजिए, बहुत एल्केलाइन है गाजर। मूली है जी, डायबिटीज वाले जरूर खा लें, भगवान का बनाया हुआ कोई भी मीठा पदार्थ डायबिटीज वाले खूब खाएं, आदमी का बनाया हुआ कुछ ना खाएं। ये सारी खतरनाक बीमारी आदमी के बनाए हुए मीठे पदार्थ में, जिसमें वो चीनी डाल दे, गाजर भगवान की बनाई है, आप खूब खाएं जी। जूस के लिए उसके 30 ml to 50 ml आप लें,
थेरेपी हमारे की तो जरूरत नहीं है, वो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया है, शायद वो बहुत हाई डिग्री किसी पेशेंट को ध्यान में रख के। मैं आपको कह रहा हूं कि 10 से 15 ml ही पर्याप्त है, 30 ml बहुत ज्यादा है, नॉर्मल आदमी के लिए ठीक नहीं। वो बॉटल पे इसलिए भी लिखा गया है कि बिके, सब जगह बेचने का प्रॉब्लम आ गया ना। तो आपको तो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से कि न्यूनतम दवा लेके या बिना किसी दवा के आप अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज कर सकते। तो एल्कलाइन चीजें हैं, गाजर है, आंवला है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, फिर बंद गोभी है, फिर ये आपके पास मूली है, फिर चौलाई है, फिर सरसों है जो आजकल साग के रूप में, ये सब एल्कलाइन है, सब हर्ट के लिए टॉनिक है ये सब। तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए भोजन में देशी घी या तो शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हुए, नमक बदलते हुए आप चल पड़िए जिंदगी के रास्ते पर। एक बार अगर अटैक आ चुका है पुराने किसी समय में, दोबारा कभी नहीं आएगा, और जो भी ब्लॉकेज है वो बिना किसी दवा के अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि बॉडी में ब्लॉकेज बनाने की टेंडेंसी है तो निकालने की भी टेंडेंसी है। दवा खाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, मेडिसिन की इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है।